स्वागत है आपका दिल से देसी फूड में। आज हम साबूदाने की शरबत बनाएंगे, जिसके लिए एक कटोरी साबूदाना मैंने चार घंटे पहले भिगो के रख दिया था, धो के साफ करके अब इसे हम उबालेंगे। एक गिलास पानी डालेंगे और इसे अब इसे हम कुक होने के लिए रख देंगे। और अब ये चाइना ग्रास मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था, एक गिलास पानी डाल के अब इसको उबालेंगे और इसकी जेली बना। इसको हिलाते रहेंगे, इधर साबुदाना भी कुक हो रहा है। अभी ये कुक नहीं हुए, इसमें हम आधी कटोरी चीनी डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, इसमें हम ग्रीन कलर डालेंगे। अभी इसे एक दो मिनट के लिए उबलने के लिए रख देंगे, उबलने के लिए। और अब इधर साबुदाना को देख ले, अब ये भी कुक हो गया है, सब ट्रांसपेरेंट हो गए। अब हम इसे छान लेंगे, डालेंगे और इसे छान लेंगे। अब इसलिए हम डाल देंगे। अब हम गैस बंद करेंगे। अब हम 3 ग्लास दूध डालेंगे गरम करने में। अब फूड कलर डालेंगे, सबको मिक्स करेंगे। चीनी कम लग रही है, अभी थोड़ी डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। मीट हो गए उबालते उबालते। अब हम गैस करेंगे बंद और सभी को ठंडा करेंगे। दूध भी ठंडा हो गया, अब इसमें गुलाब का एसेंस डालेंगे, 2-3 ड्रॉप डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम जेली कट कर लेंगे। दाना भी ठंडा हो गया है, जेली डालेंगे। हम दूध डालेंगे, अब इसमें सीरम भी डालेंगे, बादाम की कतरन, गुलाब की पत्ती। तैयार है हमारा साबुदाने वाला शरबत, दूध वाला शरबत, बहुत टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना और बनाना। अभी तो मोहर्रम है, मोहर्रम में एक बार ज़रूर बना लेना।